कानपुर नगर निगम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को न प्रयोग करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस जागरूकता अभियान के बाद अब उत्तर प्रदेश में प्रांतीय व्यापार के तत्वाधान में कानपुर के रिजर्व बैंक के सामने सिंगल यूज प्लास्टिक की होलिका जलाई गई। दहन के दौरान उत्तर प्रदेश प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता ने बताया कि सरकार के इस प्राकृतिक बचाओ प्लास्टिक हटाओ के फैसले से हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन भेदभावपूर्ण रवैया ठीक नहीं है। इसमें छोटे व्यापारियों ठेले रेहड़ी पटरी वालों की पन्नी बंद कर दी है। छोटे दुकानदारों के थर्माकोल की प्लेट ग्लास का काम कर रहे थे, वह भी काम बंद हो गया है। ऐसे में छोटे दुकानदारों का चालान कर जुर्माना वसूला जा रहा है। देखिए, आप सबको पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, पर हमारा जो सरकार से आज हम लोग ने एक सवाल किया कि क्या छोटे व्यापारी की प्लास्टिक हानिकारक और बड़ी कंपनियों के जो प्लास्टिक होती क्या वो लाभदायक है, इसी के तहत आज हम लोगों ने बड़ी कंपनियों के जितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पैकिंग होती हैं, जैसे चिप्स के रैपर्स हो गए, शैम्पू के हो गए, पेस्ट के हो गए, वाटर मिनरल बॉटल्स के हो गए, सबके जितने भी हैं उन सबकी हम लोग ने आज यहाँ पर एक होली जलाई और रिजर्व बैंक के सामने और सरकार से मांग की कि ये भी तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, इनको भी बैन किया जाए। व्यापारी समाज देश हित में और आने वाले भविष्य के हित में पूरी तरीके से प्लास्टिक बैन का समर्थन करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmtnewsflash।